इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। मतलब अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में हमको लॉस हो रहा है, मतलब हमको लॉस हो रहा है, नेट लॉस आ गया मान लो क्वेश्चन के अंदर, तो क्या उस केस में भी क्या हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं? हमको जो पता है कि क्वेश्चन के अंदर लॉसेस आ ही रहे हैं, तो हम क्या फिर भी डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे? यस, डेप्रिसिएशन हमको हर हालत में चार्ज करना ही होता है, चाहे क्वेश्चन में प्रॉफिट आ रहा हो या लॉस आ रहा हो। मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर में चाहे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमको डेप्रिसिएशन हर हालत में चार्ज करना ही होता है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो क्या बात लिखी हुई है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब अगर लॉस भी है फिर भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना होगा। मतलब डेप्रिसिएशन प्रॉफिट के अगेंस्ट जाकर भी आप चार्ज करते ही करते हो। मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट, प्रॉफिट का अगेंस्ट क्या है? लॉस। अगर लॉस भी है डेप्रिसिएशन हमको तब भी चार्ज करना है। ये बात आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है। कभी भी एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो आप लिख सकते हो इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है हर हालत में, चाहे किसी फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप हर बार डेप्रिसिएशन को चार्ज करने ही वाले हो। क्योंकि अगर लॉस के केस के अंदर अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हो, अगर लॉस के केस में अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हो, तो क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर आप लॉस दिख रहा है, डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है, तो क्या होगा? सिंपल सी बात, लॉस कम शो होंगे। और जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन तो लगाया नहीं है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या शो होने वाली है? ज्यादा शो होने वाली है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर में, किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको लॉस है, अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते हो, तो उस फर्म की, उस फाइनेंशियल ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी तो क्या शो करेंगी? लॉस आपका कम शो होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन तो लगाया नहीं है। लॉस आपका पहले से ही 50,000 रुपए आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन उस प्रॉपर्टी के ऊपर लगाते, तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वो लॉस अब आपको कितना शो होता? 60,000। पर हमने तो डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं है, तो आपका लॉस क्या शो हो रहा होगा? कम शो हो रहा होगा। दूसरी बात, हमने प्रॉपर्टी के ऊपर जब डेप्रिसिएशन ही नहीं लगाया है, तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या शो हो रही होगी? ज्यादा शो हो रही होगी। और जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट भी करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ने की भी बात करता है। तो अल्टीमेटली अगर आपका किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको लॉस भी दिखाई दे रहा है, तो आपको डेप्रिसिएशन 100% चार्ज करना होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।